तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 65 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो लिंगडंग था उसने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया था और वहाँ पर लिंगडंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन के बारे में पता चला था जिसे द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट अपने अंदर दबा रहा है। अगर वह विलन बाहर आ गया तो सच में पूरी दुनिया का तबाही एकदम निश्चित है। और इसी विलन ने एंशियंट टाइम में बहुत ही सारे सेक्ट्स और बहुत ही भारी इंसानों की मात्रा को तबाह कर दिया था और एंशियंट टाइम के कल्टिवेटर्स को भी जान से मार डाला था। और हमें वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर के बारे में पता चला था और उसी कल्टिवेटर का यह द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट था। उसी कल्टिवेटर ने इस विलन के साथ फाइट किया था और इस विलन को द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट में कैद कर दिया गया था। अब यहाँ पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने लिंगडंग को बताया था कि जो उसके अंदर चीज कैद है ना, वो 3 सालों के अंदर मुझे डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाएगी और अगर तुम्हें ऐसे होने से रोकना है तो तुम्हें 3 सालों के अंदर 2 पैतृक प्रतीक लाने होंगे। गाइस, एक पैतृक प्रतीक लिंगडंग का एंशियंट डिवॉल्विंग सिंबल है और लिंगडंग को ऐसा एक सिंबल और लाना है। और उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें लिंगडंग के कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडंग ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को एकदम कम्प्लीटली सीख लिया होता है। लिंगडंग अपनी आंखें खोलता है, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा अजीब सी डेसोलेट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वहां पर जो लिंगडंग होता है वह द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को धन्यवाद बोलता है। द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट लिंगडंग को देखता है और कहता है, लिंगडंग अब मतलब इस पूरी दुनिया का भविष्य केवल तुम पर ही टिका हुआ है। वहां पर गाइस लिंगडंग भी जानता था पैतृक प्रतीक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिनके पास भी पैतृक प्रतीकों की पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेटर है और कुछ पैतृक प्रतीकों का मतलब लोकेशन ओकेशन के बारे में नहीं पता है। जिनके बारे में पता है ना वो दुनिया के सबसे बड़े बड़े कल्टिवेटर्स बनकर बैठे हैं। जैसे हमें अंधेरे के महल के बारे में पता चला था जहाँ पर एक डार्कनेस वाला कोई कल्टिवेटर है, उसके पास भी अंधेरे का पैतृक प्रतीक है लेकिन वह डाउ सेट के लीडर जितना पावरफुल है। डाउ सेट के लीडर अभी तो लिंगडंग निर्वाणा के लेवल 6 पर ही है। डाउ सेट के लीडर निर्वाणा के मतलब 9 लेवल से भी और भी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। वहाँ पर जो द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट होता है वह तुरंत कुछ स्पेल्स को कास्ट करता है और लिंगडंग के सामने कुछ अजीब से ब्लैक ब्लैक मोती ला देता है। वहाँ पर द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट लिंगडंग को बताता है, लिंगडंग यह मिस्टीरियस मोती है जो मेरी पावर से बने हुए हैं। यह तुम्हारी मुसीबत में मदद करेंगे, जब भी तुम्हारी जान खतरे में होगी यह तुम्हारी जान को बचा लेंगे। मैं तुम्हारे लिए केवल इतना ही कर सकता हूँ लिंगडंग, अब मतलब तुम्हारे पर ही पूरा एकदम मैं विश्वास कर रहा हूँ। मैंने आज तक जितने को भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई है उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो गई है। यह बात बोलकर वहाँ पर जो द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट होता है वो लिंगडंग से बोलता है, लिंगडंग तो ठीक है अब तुम बाहर जा सकते हो। वहाँ पर जो लिंगडंग की आकृति होती है वहाँ से गायब हो जाती है। द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर से फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो बंदा हंसते हुए कहता है, देखता हूँ तुम मुझे कितने देर तक रोक कर रख सकते हो। तुमने एक बार फिर से एक बंदे पर विश्वास किया, तुम्हें क्या लगता है कि सच में तुम्हारी डिमांड पूरी कर पाएगा? अब इस पूरी दुनिया का तबाही कुछ ही सालों में होकर रहेगा, अब हम दिखाएंगे इस दुनिया को कि हमारी ताकत क्या है। उसके बाद हमें यहाँ से गाइस सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर जहाँ पर लिंगडंग कल्टीवेशन नहीं कर रहा होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भारी मात्रा में एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी चमक रही होती है और लिंगडंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर फैल रहा होता है। लिंगडंग की बॉडी आसमान में उड़ रही होती है, लिंगडंग किसी देवता नहीं लग रहा होता है। वहाँ पर डेसोलेट हॉल के सभी
सभी एल्डर्स है, सभी स्टूडेंट्स है, यहाँ तक कि स्काई हॉल के मतलब डाउ सेक्ट में जितने भी हॉल्स हैं और उनके जितने भी स्टूडेंट्स एल्डर्स सभी लोग लिंगडॉग को ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो स्काई हॉल के हॉल मास्टर क्यू ले ही होते हैं, वह डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर चेंग चेन के पास जाते हैं और कहते हैं, बधाई हो आपका एक और डिसाइपल सच में डेसोलेट द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख गया है। सच में उसने पूरे डाउ सेट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है। देखिए अब यहाँ पर लगता है आपका जो जो हॉल है ना उसकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। गाइस डाउ सेट में चार हॉल हैं, पहला स्काई हॉल, दूसरा अर्थ हॉल, तीसरा फ्लड हॉल, चौथा डेसोलेट हॉल। और यहाँ पर जैसे नहीं कंपटीशन बहुत सालों से हो रहा है तो यहाँ पर डेसोलेट हॉल सबसे ज्यादा लो रैंकिंग पर आता था क्योंकि उसके पास उसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक ही नहीं है। वहाँ पर जो स्काई हॉल के लीडर होते हैं वर्ल्ड चेंग जेन से बोलते हैं, इस बार हॉल कंपटीशन में मजा ही आ जाएगा। जब हॉल कंपटीशन होगा ना तब देखा जाएगा कि कितना आपका डिसाइपल बढ़िया प्रदर्शन करता है। आपको लिंगडॉग पर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि वो अपना लेवल अप कर सके। अभी हॉल कंपटीशन होने में 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने में यहाँ पर जो बाकी हॉल के डिसाइपल है ना वो मतलब बाकी हॉल के यहाँ पर जो ट्रू डिसाइपल है ना इस नज़ारे को देख कर और भी ज़्यादा एकदम रच कर एकदम अपना कल्टिवेशन करेंगे ताकि वह किसी भी हालत में निर्वाणा के लेवल 9 तक पहुँच जाए। अभी आपका जो डिसाइपल लिंगडॉग है वो अभी निर्वाणा के लेवल 6 पर है। अगर वो मिनिमम निर्वाणा के लेवल 8 तक पहुंच जाता है तब शायद डेसोलेट हॉल की रैंकिंग बढ़ सकती है, लेकिन निर्वाणा के लेवल 8 को 2 महीने में अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन इस बार के हॉल कंपटीशन में मजा ही आ जाएगा। वहाँ पर जितने भी मतलब सारे हॉल के हॉल मास्टर भी खुश होते हैं नहीं होते हैं कि डाउ सेट का कोई भी हॉल लिंगडॉग से एकदम गुस्सा उस्सा है, यहाँ पर कंपटीशन की बस थोड़ी सी भावना है। गाइस यहाँ पर जो हॉल कंपटीशन नहीं होगा उसमें जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा मतलब जो भी डिसाइपल्स एकदम बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन करेगा उन्हीं को जो सेट कंपटीशन होगा यानी जितने भी सुपर सेक्ट है आपस में एक सेट कंपटीशन करवाएंगे और अपने सभी ट्रू डिसाइपल को एक अजीब से वर्ल्ड में भेजेंगे। जिस तरह से निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग नहीं हुई थी सुपर सेट का वो एंट्रेंस टेस्ट, उसी तरह सभी जो सुपर सेक्ट है ना वो अपने अपने डिसाइपल को एक अजीब से वर्ल्ड में भेजेंगे। वहीं पर लड़ाई होगी, वहीं पर लिंगडॉग की गर्लफ्रेंड लिंग क्योंगजी, लिंगडॉग की बहन, इन सारों की मुलाकात होगी, लड़ाई उड़ाई होगी। उसके बाद यहाँ पर लिंगडॉग वहाँ से बाहर निकलेगा, उसके बाद एकदम डेंजर लेवल की बैटल होगी। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के 13 सीजन बनेंगे यानी सीजन 8, सीजन 9, सीजन 10, सीजन 11 एंड सीजन 12, सीजन 30 ऐसे ही सीजन बनेंगे। तो अगर आपको ये सारे सीजन जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में। अगर आपको ये जल्द सब्सक्रिप्शन लेना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए, ज्वाइन होइए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, तो लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें लिंगडॉग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडॉग के चारों तरफ अब जो गोल्डन कलर का ऑरा नहीं था वो धीमा होने लगता है और अचानक से अब लिंगडॉग की आंखें खुलती है। लिंगडॉग की आंखें जैसे ही खुलते उसके आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवा फैलने लगता है। लिंगडॉग को आंखें खोलता हुआ देखकर एल्डर चेंग जेन जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड में लिंगडॉग को देख रहे होते हैं और वो लोग क्या ध्यान दे रहे होते हैं कि लिंगडॉग की बॉडी में क्या चेंज हुए, कपड़े चेंज हुए हैं, कपड़े फट गए हैं, बेचारा या एकदम चेहरा झुलझुला हो गया लेकिन अब सारा ठीक है। मतलब लिंगडॉग को एकदम घूर घूर कर देख रहे होंगे कि लिंगडॉग की बॉडी में आखिर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में बहुत बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, एल्डर झोटोंग के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। और वहीं पर हमें मार्शल आर्ट हॉल में ना अंधे बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है। अंधे बूढ़े व्यक्ति को भी यह पता चल गया होता है कि जो लिंगडॉग है ना उसने एल्डर झोटोंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और उसने भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया है। अंधा बूढ़ा व्यक्ति की इस समय आंखों में आंसू थे और वह कहता है,
एल्डर झुओटोंग, सच में एक जूनियर आपका आपके रिकॉर्ड को तोड़कर आपसे आगे निकल गया। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर चैंग जेन के पास जाता है। एल्डर चैंग जेन को लिंगडोंग ग्रीट करता है। एल्डर चैंग जेन लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने दोस्तों के पास जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो जैसे अपने दोस्तों के पास जाता है ना, उसके सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं। यहाँ पर इंगुआन वन, यांग ज़ियाओ ज़ियाओ, किंगे, मूले, ये सारे लोग थे। गाइस यहाँ पर किंगे और मूले आपको याद होगा, जो किंगे है वो फ्लड हॉल का ट्रू जीनियस है और यहाँ पर जो मूले है वो अर्थ हॉल का ट्रू जीनियस है। उसके बाद हमें इंगुआन वन का सीन दिखाया जाता है। जैसे वह लिंगडोंग के पास आती है ना, वह लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग क्या तुमने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया? मतलब वो कह रही थी कि तुम अपना थोड़ा ग्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक हमें दिखाओ खाओ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है मतलब वो थोड़ा सा उसको कहता है, भाई मैं ऐसे थोड़ी ना द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक यहीं पर प्रैक्टिस करूंगा। लड़ाई उड़ाई में दिखाया जाता है ना कि ऐसे यहीं पर एकदम धुआंधार कहीं भी पटकने उपटकने लगे, ये देखो मेरे पास ये है वो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर इंगुआन वन की तरफ देख देता है। इतने में इंगुआन वन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे अपना सर याद आने लगता है। गैस आपको भी पता होगा कि लिंगडोंग जब डाउस एक्ट में आता तो उसने स्काई हॉल को छोड़कर डेसोलेट हॉल में ज्वाइन किया था और इंगुआन वन के साथ थोड़ा सा पंगे उंगे हो गए थे। तो वहाँ पर इंगुआन वन ने लिंगडोंग से शर्त लगा दी थी कि लिंगडोंग अगर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख जाता है तो लिंगडोंग जो भी मतलब जो भी बोलेगा ना वो इंगुआन वन एक काम उसका करेगी। इसलिए वहाँ पर जो इंगुआन वन होती है ना वो थोड़ा सा शर्मा वर्मा का पीछा हट जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना हाथ उठाता है। लिंगडोंग के हाथ पर भी अभी अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी थी। जो लिंगडोंग होता है वो अपना हाथ इंगुआन वन की तरफ बढ़ाने लगता है। इंगुआन वन लिंगडोंग के इस हरकत को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि उसके हाथ पर एनर्जी, पहले वो अपनी एनर्जी को साफ करता है, उसके बाद मतलब दबाता होता है, उसके बाद एक अंगुली से इंगुआन वन के माथे पर ऐसे टपली मारता है। नहीं जैसे छोटे बच्चों को हमेशा मतलब आप लोग भी होते हैं माथे पर ऐसे टपली वपली दे देते हैं, तो वैसा ही वहाँ पर लिंगडोंग भी करता है। वहाँ पर इंगुआन वन थोड़ा सा शरमा कर पीछे हट जाती है। और गाइस एक और बात, दरअसल आप लोग सोच रहे होंगे कि इंगुआन वन और यांग ज़ियाओ ज़ियाओ हैं कौन। तो दरअसल मैंने पिछले एपिसोड में थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था। दरअसल वहाँ पर जो इंगुआन वन है और यांग ज़ियाओ ज़ियाओ ये दोनों ही जो डाउ सेट के पैट्रियार्च नहीं है, जिनसे अभी लिंगडोंग कुछ टाइम पहले ही मिला था, ये दोनों ही उनकी बेटियाँ हैं। तो आप लोग उतना कंफ्यूज नहीं होगा, इन लोग का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो कमरे में अपना कल्टीवेशन वल्टीवेशन करता है, 5-10 दिन एकदम लगातार कल्टीवेशन करता है। और लिंगडोंग डेली अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास जाया करता था और उसके साथ चेस खेला करता था। अंधा बूढ़ा व्यक्ति भी लिंगडोंग के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। अब वो दोनों ही बैठ कर चेस वोस खेलते हैं। लिंगडोंग एक दिन जाता है मतलब 10-15 दिन बाद, लिंगडोंग जैसे जैसे ना अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास जा रहा था वो देख रहा था कि अब मार्शल आर्ट हॉल में ना जितने भी कल्टीवेटर्स आते हैं पर टेक्निक सीखते थे, डेसोलेट एनर्जी कल्टीवेट करते थे, यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक थी, सारे लोग प्रैक्टिस करते थे, अब उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अंधे बूढ़े इस व्यक्ति से पूछता है, अरे चाचा यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी कम क्यों होती जा रही है? वो अंधा बूढ़ा व्यक्ति लिंगडोंग को बताता है, अरे अब हॉल कंपटीशन आने में केवल कितना ही टाइम बचा, मिनिमम 1 महीने से भी कम का टाइम है, तो इसीलिए सभी हॉल के डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ एकदम प्रो प्रो डिसाइपल ना अपने एकांतवास में चले गए ताकि वो लोग अपने आप को ब्रेक थ्रू कर सके और इस हॉल कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन कर सके। अगर वो लोग इस हॉल कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा अच्छा रिवार्ड और उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है ना। वहाँ पर लिंगडोंग का तो अच्छा ये बात है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो चेस खेलने पर ध्यान देने लगता है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना उसे कुछ बाहर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, मतलब बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा लिंगडोंग ना उस मार्शल आर्ट हॉल से बाहर देखता है तो वहाँ पर एक जो अरीना नहीं था डेसोलेट हॉल का, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास आता है और कहता है,
चाचा ये बाहर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है और यहाँ पर कुछ अजीब अजीब से मुझे आभा भी महसूस हो रही है जो डाउ सेट की नहीं है। और गाइस यहाँ पर अब लिंगडोंग ना इस अंधे बूढ़े व्यक्ति को चाचा उचा बोलने लगा था, तो मैं भी वैसा ही बोल रहा हूँ। वहाँ पर अंधा बूढ़ा व्यक्ति बताता है, अरे कुछ नहीं, बाहर दूसरे सेट के बंदे आए हैं और ये लोग हमारे डाउ सेट को चैलेंज करते हैं। जान रहे हो इस बार थोड़ा सा हॉल कंपटीशन आने वाला है ना, तो हमारे जितने भी प्रो डिसाइपल हैं वो कमरा वमरा बंद कर अपना कल्टीवेशन करने के लिए चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जो दूसरे सेट के बंदे नहीं हैं वो आ गए हैं हमारे सेट के कंपटीशन करने। वो लोग भी जान रहे हैं कि हमारे जो बढ़िया बढ़िया डिसाइपल्स हैं एकदम सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल वो कमरा वमरा बंद कर अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं और वो लोग अपना कल्टीवेशन छोड़कर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे डाउ सेट के बंदों को ऐसे हरा उरा देंगे, इन्हें क्या लगता है कि हमारा डाउ सेट इतना भी ज़्यादा कमजोर है। तो गाइस ये सेक्ट कौन है इसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डाल रहा हूँ। तो अगर वीडियो के एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। पेड पर पहले अपलोडेड है, अगर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।